दोस्तों, मैं हूं अपने वर्मी कंपोस्ट के फील्ड में, जिसमें मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप आइसिनिया फेटिडा किस्म के जो केंचुए हैं, उनके जो अंडे हैं उनको कैसे पहचाने। तो ये देखिए, ये मेरे हाथ में अंडे हैं। ये आप छोटे छोटे, बिल्कुल ज्वार के छोटे से दाने की तरह, आप थोड़ा कैमरा पास में लाइए, ये देख रहे हैं येलो, थोड़ा सा ग्रीननेस लिए हुए, ये छोटे छोटे, ये बिल्कुल आप आइसिनिया फेटिडा किस्म के केचुए के ये अंडे हैं। तो इस तरह से जब आप ध्यान रखें कि जब आपका वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाए या वर्मी कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं, तो ये अंडे हैं, इनको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और जो कोई किसान भाई या जो भी साथी हमारा इनको उपयोग करता है, तो उस समय जब आपके पास में अगर अंडे भी आ जाते हैं, तो उसमें थोड़ा मॉइस्चर बना के रखें, तो आपके फील्ड में भी ये बढ़ जाते हैं, क्योंकि इनकी जो लाइफ साइकिल है वो 1 महीने में पूरी हो जाती है। आइए मैं आपको बेड में भी दिखाता हूँ। ये जैसे मेरा बेड है, तो इसमें ये आप थोड़ा सा कैमरा जूम कीजिए, ये कितने हस्ट पुष्ट हेल्दी केंचुए हो रहे हैं आप देख सकते हैं। ये केंचुओं की संख्या बढ़ती जा रही है और हेल्दी केंचुए हैं ये। थोड़ा सा आप कैमरा लाइए, ये जो छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, ये आप पास में लाइए, बिल्कुल इधर ला सकते हैं। ये देखिए जो ग्रीननेस, छोटे ज्वार के दाने जैसे बिल्कुल छोटे, ये देखिए ये अंडों की संख्या है इसमें। ये देखिए, ये देखिए, ये सब अंडे हैं। ये देखिए अंदर आप अंडे हैं, क्योंकि 1 महीने में ही अंडे देते हैं। तो जब आपका वर्मी कंपोस्ट छनाई कर रहे हों या निकाल रहे हों या बेड पर डाल रहे हों, तो ध्यान रखें कि इनको भी ध्यान रखें कि इनको नुकसान नहीं हो, जिससे आपके केंचुओं की संख्या आपके बेड में भी और फील्ड में भी बढ़ेगी। तो दोस्तों, ये थी आइसिनिया फेटिडा किस्म के केंचुओं के अंडों की जानकारी। इसी तरह की जानकारी बर्मी कंपोस्ट से रिलेटेड, वेजिटेबल से रिलेटेड या कृषि से संबंधित जानकारी मैं आपके लिए लाता रहूँगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।